आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 8.3 एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 8th का क्वेश्चन नंबर 9 और 10 का नंबर 9 है हमारा फाइंड द अमाउंट व्हिच राम विल गेट ऑन रुपीस 4096 इफ ही गेव इट फॉर 18 मंथ एट 12.5% पर एनम इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो यहां पर जो है वो हमारे पास क्या है, प्रिंसिपल जो है वो हमारे पास हो गया रुपीस 4096, ठीक है, और रेट हो गया हमारे पास यहाँ पर 12 होल 1/2, ठीक है ना, परसेंट, जो हो जाएगा हमारा 25/2%, 12 × 24 = 25, और टाइम हो गया हमारे पास यहाँ पर 18 months, ठीक है, और यहाँ पर है कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अब हाफ ईयरली के अंदर हम क्या चेंजेस करते हैं, हाफ ईयरली के अंदर हम रेट को जो है वो आधा कर देते हैं, तो 25/2 × 1/2, है ना, इसको आधा कर देंगे तो ये हो जाएगा 25/2, ये आ जाएगा 25/4%, ठीक है, ये आ जाएगा 25.4%, जिसको हम 6.25 भी लिख सकते हैं अगर हम रिड्यूस करके लिखें, लेकिन डेसिमल में ना लिखकर हम इसे ऐसे लिख देते हैं। अब आती है एन की वैल्यू हो गई क्या, अगर हाफ ईयरली है तो एक हाफ ईयरली 6 मंथ का होता है और 3 हाफ ईयरली जो है वो है ना, और अगर हम 18 को जो है वो 6 से डिवाइड करें तो ये 3 आ जाएगा, यानी कि 3 हाफ ईयरलीज हो गए। तो एन की वैल्यू क्या हो गई, एन की वैल्यू 3 हो गई। अब हमारे पास सारी वैल्यूज आ गई, अब हम फॉर्मूला लगाएंगे अमाउंट इज इक्वल टू पी 1+R/100 to the power n। अब यहाँ पर आ जाएगा 4096 है ना 1+R की जगह क्या लगाएंगे 25/4। अब 25/4 को अगर हम डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 6.25, ठीक है, कैसे आ जाएगा, 4 6 = 24, बचा 1, लगाया डेसिमल 10, 4 2 = 8, बचा 2, 4 5 = 20, 6.25%, तो 6.25 लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है, आसान हो जाएगा। यहाँ पर 100 कर देंगे और n की वैल्यू हम कर देंगे 3, तो यहां पर आ जाएगा 4096 × 100 + 1 106.25 × 106.25 × 106.25 × 100, ठीक है। अब यहां से डेसिमल हटा दें तो यहां 2 जीरो लगा दें, यहां से हटा दें तो यहां 2 जीरो लगा दें, यहां से हटा दें तो यहां 2 जीरो लगा दें, डेसिमल की बात खत्म हो गई। अब एक को हम रिड्यूस करके देख लेते हैं कि इसका क्या आंसर आता है, रिड्यूस करके अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में इसका आंसर निकाल देंगे तो उनका भी यही हो जाएगा। कैसे निकालेंगे, 5 2 = 10, 5 1 = 5, 1 = 12, 5 2 = 10, 2 = 25, 5 5 = 25, और यहां आ जाएगा 5 2 = 10 और उसके आगे 3 0, फिर 5 4 = 20, बचा 1 12 2 12, 5 2 = 10, बचा 2 25, 5 5 = 25, फिर ये आ जाएगा 5 4 = 20 और 2 0, ठीक है, उसके बाद फिर 5 8 = 40, 5 5 = 25, फिर ये आ जाएगा 5 8 = 40 और 80, फिर आ जाएगा 5 1 = 5 7 = ये आ जाएगा 5 1 = 5 6 = तो 17 और 16 नहीं कटेंगे तो 17/16 आंसर आ गया यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 4096 × 17/16 × 17/16 × 17/16, क्योंकि इसका भी कट के यही आंसर आएगा, इसका भी कट के यही आंसर आएगा, क्योंकि वैल्यू सेम है, ठीक है ना, तो एक काट लिया और बाकी होगा लिख दिया, जल्दी काम हो जाएगा। इसके बाद इसको डिवाइड कर लेते हैं, 8 2 = 16, 8 5 = 40, 8 1 = 8 2 = 16, ठीक है, 8 2 = 16, 8 6 = 48 और 8 4 = 32, 8 2 = 16 और 8 8 = 64, 2 1 = 8, 2 2 = 4, 2 1 = 8, 2 4 = 8, सॉरी ये हो गया 2 1 = 2 और 2 4 = 8, फिर हो गया 2 1 = 2, 2 2 = 4 और फिर 2 1 = और 2 1 = खत्म, 4096 पूरा खत्म हो गया 16 × 16 × 16 से। हमारे पास आंसर क्या बचा, हमारे पास आंसर बचा 17 × 17 × 17, आंसर आ जाएगा 4913 रुपीज, ठीक है, और यही जो है वो हमारा अमाउंट है, अमाउंट इज इक्वल टू 4913 और यही आंसर है हमारा, यही हमें निकालना था।
17 × 17 × 17 करके, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 पूरा होता है। नंबर 10 है हमारा, द पॉपुलेशन ऑफ अ प्लेस इंक्रीज्ड टू 54,000 इन 2003 एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। एक जगह की जो है वो पॉपुलेशन बढ़ गई, इंक्रीज हो गई 54,000 इन 2003 एट द रेट ऑफ 5% पर एनम, ठीक है ना। हमें निकालना क्या है, फर्स्ट पार्ट है फाइंड द पॉपुलेशन इन 2001, यानी कि 2003 में पॉपुलेशन ये है, तो 2001 में कितनी रही होगी, यानी कि पहले की बात आ गई यहाँ पे। अभी तक हम क्या करते थे कि जो भी हमें चीज़ दी हुई होती थी हम उसको प्रिंसिपल मान लेते थे, जो भी हमें अमाउंट दिया हुआ होता था यहाँ पे रुपीज़ में, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो है वो केस दूसरा, यहाँ पर केस दूसरा क्या है कि हमें पहले का निकालना है, हमें बाद का नहीं निकालना, ठीक है ना। अब जिस तरीके से हम जो है वो प्रिंसिपल और अमाउंट को जो है वो कंपेयर करते थे, तो अगर प्रिंसिपल 10,000 दिया हुआ होता था, है ना, और रेट होता था सपोज 5% और इंटरेस्ट और टाइम होता था 2 साल का, ठीक है, तो ये तकरीबन अगर 12,000 भी आता था तो वो अमाउंट आता था, यानी कि 10,000 कम था और 12,000 बड़ा था 10,000 से, तो जो बड़ी चीज़ आती थी वो अमाउंट होती थी अब तक, ठीक है ना, और छोटा जो अमाउंट होता था या गिवन रुपीज होते थे वो प्रिंसिपल मानते थे हम, ठीक है। वो तो थी बात आगे की, अब हमें निकालनी है पहले की। पहले का मतलब 2003 से 2 साल पहले, ठीक है ना। और यहाँ पर ये 54,000 जो दिया हुआ है उसे हम प्रिंसिपल नहीं मानेंगे, क्यों, क्योंकि जो 2001 में जो है वो उसकी पॉपुलेशन निकल कर आएगी वो कम निकल कर आएगी, क्योंकि कम होगी तभी तो इंक्रीज हुई है 2003 में, ठीक है ना। तो कम वाली चीज प्रिंसिपल है ना, और ज्यादा वाली चीज अमाउंट। तो ये मैंने आपको इसलिए समझा दिया जिससे आपको ये पता चल जाए कि इसके अंदर ये प्रिंसिपल नहीं लेंगे, इसे हम अमाउंट मानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या क्या चीज़ें हो गई, यहाँ पर हमारे पास अमाउंट हो गया 54,000, ठीक है, प्रिंसिपल हमें फाइंड आउट करना है, रेट हो गया 5%, और टाइम का हमें पता चल जाएगा 2003 में से 2001 को माइनस करेंगे तो 2 साल का डिफरेंस आएगा। अब हम फॉर्मूला लगा देंगे, अमाउंट इज इक्वल टू पी 1 + R/100 to the power n, ठीक है। अमाउंट हमें दिया हुआ है, यहाँ पर तो अमाउंट दिया हुआ है इसलिए ए लिखेंगे ही नहीं, इसकी जगह कर देंगे 54,000। इक्वल टू पी निकालना है तो पी को ऐसे ही रहन देंगे, उसके बाद 1 + R दिया हुआ है हमें 5, तो इसे 5 कर देंगे, और n की वैल्यू जो है वो 2 हो गई। तो यहाँ पर 54,000 इक्वल टू पी ब्रैकेट के अंदर 100 + 101 105 upon 100 × 105 upon 100। इसे काट लेंगे, 520 + 520, ये भी 21 हो जाएगा, ये भी 20 हो जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा 54,000 इक्वल टू पी, और ब्रैकेट के अंदर 21 जा हो गया 441 और 20 जा हो गया 400। अब अगर इस साइड में राइट हैंड साइड में इक्वल टू के अगर ये मल्टीप्लीकेशन में दिया हुआ है 441 400 पी के, तो ये इधर जब चला जाएगा ट्रांसपोज होके तो वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा तो वो कैसे हो जाएगा, 54,000 अपॉन 441 अपॉन 400, ठीक है। अब ये तीन चीजें हो गई, अब जब ये तीन चीजें हो गई तो इसको हम रेसिप्रोकल कर देते हैं, 54,000 × 400 / 441। इसे अब हम यहाँ पर ले लेते हैं ऊपर, आसानी से हो जाएगा, 54,000 × 400 / 441, ठीक है। तो इसे अब हम काट लेंगे, यहाँ पर 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 3 आ जाएगा, 3 × 6 = 3, 4 × 12 आ जाएगा, और 3 × 7 = 21 आ जाएगा, और 3 × 18 = 54, और 3 0 आ जाएंगे, 3 × 4 = 12 आ जाएगा, 3 × 9 = 27 आ जाएगा, 3 × 6 = 18 के आगे 6,000 आ जाएगा। यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर ये 2 0 तो 400 वाले आ गए, 3 0 जो है वो ये 600 वाले वाले आ जाएंगे, और 6 × 4 = 24 आ जाएगा, और डिवाइडेड बाई 49, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा आपका 48979.9, ठीक है। ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा जो हम निकाल रहे थे प्रिंसिपल, अप्रोक्सीमेट, ठीक है, अप्रोक्सीमेट आंसर आ जाएगा 48,979 रुपए कुछ पैसे
हमारा प्रिंसिपल निकल कर आया, अमाउंट हमें 84,54,000 दिया हुआ था। अब क्योंकि ये पॉपुलेशन है, ये रुपीज में तो है नहीं समझे, तो आप ये कह सकते हैं कि 48,980 है ना, 79 को 80 कर देंगे राउंड ऑफ करके, तो 48,980 जो थी वो पॉपुलेशन 2001 में थी। तो ये पहले का आंसर आ गया 2001 का, ठीक है। तो इस तरीके से तो जो है वो ये आया पहले का आंसर। अब दूसरे का निकालना, दूसरे में वो कह रहा है व्हाट वुड बी इट्स पॉपुलेशन इन 2005, तो 2 साल बाद अब इसकी कितनी पॉपुलेशन होगी, वो 2 साल बाद का मैं निकाल के बता देता हूँ आपको। 2 साल बाद इसकी कितनी पॉपुलेशन होगी, ठीक है। अब यहां पर मैंने आपको बताया था पहले कि प्रिंसिपल छोटा होता है, अमाउंट बड़ा होता है इंटरेस्ट वगैरह जुड़ने के बाद, इसलिए ये बड़ा है। और पहला आंसर 48,000 कुछ जो छोटा आया वो प्रिंसिपल था, इसे हमने अमाउंट मान लिया था। सेकंड पार्ट में क्या है कि हमने आगे आने वाले साल के बारे में बताना है, तो पॉपुलेशन तो बढ़ेगी, बढ़ेगी तो आंसर बड़ा आएगा, जब आंसर बड़ा आएगा तो ये छोटा रह जाएगा, अगर ये छोटा रह जाएगा तो अब की बार ये प्रिंसिपल हो जाएगा, ठीक है। और हमें निकालना क्या होगा, हमें निकालना होगा अमाउंट, बस सेकंड पार्ट में इतना ही चेंज होगा, बाकी सब चीजें सेम रहेंगी, क्योंकि 2003 में और 5 में भी 2 साल का ही फर्क है। तो हम यहां पर क्या करेंगे, अमाउंट इज इक्वल टू पी 1+R/100 मल्टीप्लाइड बाई ऊपर पावर n। तो अमाउंट, अब अमाउंट निकालना है तो यही रहेगा, p की जगह पर हम क्या रख देंगे 54,000, यहां पर 1+5/100, यहां पर 2, ठीक है, ये आ जाएगा 54,000 मल्टीप्लाइड बाई 105/100 इंटू 105/100, ये जीरो गया इससे, ये गया, जीरो गया इससे, ये जीरो गया इससे, तो 101, ठीक है, एक कटेगा, ये एक कट गया इससे और एक कट गया इससे, ठीक है। ये आ गया 5 2 10 और ये आ गया 5 21, ये 2 1 और ये 2 27, ठीक है। अब हमारे पास क्या बचा है अमाउंट के लिए, 27 मल्टीप्लाइड बाई 105 मल्टीप्लाइड बाई 21, और नीचे कुछ नहीं बचा, ठीक है। अब हम इन्हें मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो अब जो निकल कर आएगा वो 2005 की पॉपुलेशन हो जाएगी बस। अब यहां पर हम क्या करेंगे, 105 को हम करते हैं 27 से, 75 35, आया 3 7 1 7, 2 5 10, 1 2 1 2, 5 3 8 और 2, 2835 मल्टीप्लाइड बाई 21। अब 21 से कर लेते हैं, 2835 को 21 से कर लेते हैं, तो ये आ गया 2835 मल्टीप्लाइड बाई 2 5 10 का 0 1, 2 3 6 7, 2 8 16 का 1, 6 carry 1, 2 2 4 1 5, ये आ गया 5 3 8 7 15 का 5, 1 6 2 8 और 1 9 और 5, ठीक है। तो हमारा आंसर आएगा जी यहां पर 59,535, ये आंसर है। तो ये सेकंड पार्ट का आंसर हो गया कि 2005 में जो है वो उसकी पॉपुलेशन होगी 59,535, जो कि 54,000 थी, 5,000 के करीब बढ़ जाएगी, और 2001 में रही थी उसकी 48,980, जो बढ़ के जो है वो 5 5 5.5 हज़ार 54,000 हो गई थी 2003 में। तो इस तरीके से जो है वो ये हमारे दोनों पार्ट पूरे होते हैं और क्वेश्चन नंबर 10 हमारा पूरा होता है। आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, थैंक यू।